वेलकम बैक टू ब्लेंड्स और कल ईद है तो मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में ईद मुबारक वैसे तो मैं बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ एंड आई डो नॉट लाइक टू मच ऑफ अ ग्लैम और ग्लिटरी मेकअप तो मैं बहुत सिंपल सा ईजी सा मेकअप करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो, तो मैंने ईद के लिए सुपर ईजी सा मेकअप लोक क्रिएट किया यूजिंग वेरी लेस प्रोडक्ट्स तो अगर आप भी ऐसे हो जिसको बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद है बहुत सिंपल मेकअप पसंद है और आप कल ईद सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप भी ये लुक रिक्रिएट कर सकते हो सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मैंने ये लुक कैसे रिक्रिएट किया देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग ओके सो स्टेप वन में मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का इन्फॉलेबल फुल वेयर कंसीलर दिस इज़ अ फुल वेयर कंसीलर क्योंकि मैं फाउंडेशन की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ मुझे स्पेशली इस गर्मियों में तो मैं फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ बीबी क्रीम सीसी क्रीम फिर भी आई लाइक बेट नॉट फाउंडेशन एज सच तो यहाँ पर मैं फुल कवरेज कंसीलर यूज़ कर लूँगी सो मुझे उससे डिजायर कवरेज भी मिल जाएगी एंड माई फेस विल लुक पुट टुगेदर ऑल्सो एंड देन आई एम गोइंग टू सेट माई कंसीलर विद्प ऑफ द फेसिस कैनडा कॉम्पैक्ट पाउडर विद एस पी एफ फिफ्टीन ये बहुत ही अच्छा बजट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट पाउडर है सो या उसके बाद मैं यूज़ कर लूँगी ब्लश के लिए द नेचुरल वॉश का लिप एंड चिक टेंट जो शेड uh, है वो मुझे याद नहीं है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी आपके लिए इसको मैं अपने चीक्स पे चिन पे थोड़ा सा नोज पे थोड़ा सा फोरहेड में फिंगर से ही अप्लाई करूंगी इट्स दैट इजी एंड इट गिव्स मी अ वेरी नेचुरल लाइक अ ब्लश्ड ग्लो व्हिच आई रियली रियली लव मेरी आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है उसके बाद मैं यूज़ करूँगी काजल विच इज़ अगेन फ्रॉम फेस इज कैनाडा इट्स देर मैग्नेटिक आइज काजल इट्स अ जेट ब्लैक काजल और क्योंकि भाई ईद है तो मैं थोड़ा मोटा मोटा काजल तो लगाऊंगी मैं आईलाइनर नहीं यूज़ करूंगी इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क काजल लगाऊंगी एंड देन आई एम यूजिंग द मेबलिन मस्कारा विच इज़ अ वॉल्यूमनाइजिंग एज वेल एज अ लेंथनिंग मस्कारा ये मेरे आई लैशेज़ को एक साथ में स्टिक नहीं करता विच इज़ वाई आई लाइक दिस अगेन ये भी बहुत बजट फ्रेंडली है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और आप देख सकते हो कि मेरी आईज़ कितनी बड़ी बड़ी और कितनी अच्छी लग रही हैं उसके बाद जो लिप एंड चिंक टेंट था ना उसी को मैंने आईज में अप्लाई कर लिया आई डो नॉट लाइक टू मच ऑफ एन आई शेडो विथ ग्लिटर्स ऑन माई आईज़ मुझे बिल्कुल उतना अच्छा नहीं लगता तो मैं यही लगा लेती हूँ थोड़ा सा आउटफिट के साथ भी मैच हो रहा है तो मैंने उसको ब्रश से ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा मिनिमल और ऐसा हिंट आ रहा है बस उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम मे दिस इज़ एन एवरीडे डे न्यूट कलर अगेन शेड मैं बोल गई मैं मैंशन कर दूँगी तो ये मेरे आउटफिट के साथ भी जा रहा है और आई थिंक ये हर आउटफिट के साथ चला जाता है इट्स दैट यू नो वर्सिटाइल इट्स दैट अ वर्सटाइल शेड नेक्स्ट लास्ट मैं यूज़ करूँगी सेटिंग स्प्रे विच इज़ अगेन फ्रॉम फेसेस कैनाडा येस आई यूज़ फेसिज कैनाडा अलॉट इट्स अ वेरी गुड बजट फ्रेंडली ब्रांड एंड या उसके बाद मैं यूज़ करूँगी Uh, ये जो ब्लैक uh, बिंदियाँ आती है ना छोटी वाली मुझे बहुत पसंद है अपने एथनिक वेयर्स के साथ यूज़ करने के लिए मैं ऑलमोस्ट अपने एथनिक वेयर्स के साथ ब्लैक बिंदी यूज़ कर सकती हूँ तो, यूज़ करती हूँ आप चाहे तो कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हो उसके बाद ये है ऑक्सीडाइज झुमके जो मेरे आउटफिट के साथ अगेन बहुत अच्छे जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं यही पहन लूँ एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक ये मेरा पूरा आउटफिट है दिस इज़ एंड ऑल वाइट लुक मुझे अगर लिंक मिलता है तो मैं आपको मैंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिस इज फ्रॉम ग्लोबल देसी द वे तो अगर लिंक मिलता है तो मैं ज़रूर मैंशन कर दूँगी आपको सो दैट्स इट फॉर टू वीडियो वाइज आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा अच्छा लगे तो प्लीज कॉमेंट डाउन करना एंड टिले टेक केयर एंड अ वेरी वेरी हैप्पी ईद फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू मे यू हैवे गुड वन बाय